हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल गुप्ता। गाइस, आप सभी जानते हैं कल बीपीएससी ने अपना डेट अनाउंस कर दिया है, बीपीएससी सीडीपीओ और साथ ही साथ 67th बीपीएससी का। जी हाँ, 67th बीपीएससी जो है वो होना है आपको 12 दिसंबर को और 31st अक्टूबर को हो जाना है सीडीपीओ का एग्जाम। तो अभी से सीडीपीओ का एग्जाम में लगभग 70 से 75 दिन का समय आप पकड़ के चलिए, इतना ही दिन आपके पास समय रह गया है। हमने इसका वॉल्यूम वन हमने आज से स्टार्ट हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। वॉल्यूम वन का सेट नंबर वन हमने पहले करवा दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा सीडीपीओ का तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन दिख जाएगा, वहां से देख सकते हैं। आज हम कंटिन्यू करेंगे सेट नंबर टू से और अब ये रेगुलर आएगा क्योंकि एग्जाम डेट अब आ चुका है, राइट। इसका कट ऑफ हमने रखा है 102 नंबर, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट आसान नहीं है, काफी टफ प्रैक्टिस सेट है द प्लेटफॉर्म का। तो आप इसमें 102 नंबर अगर आप अचीव करते हैं तो आप एग्जाम में डेफिनेटली अच्छा करेंगे। चलिए बिना देरी के फटाफट से वीडियो आज के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन राजगिरी यानी गिरिवज को कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर बताया गया है। देखिए ये जो है ना भाई, पांच पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर इसको बताया गया है, ठीक है। राजगीर जो है ये पांच पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर है। कौन कौन सा था? विपुल गिरी, रत्नगिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और वैभवगिरी। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं, प्रयाग ज्योतिषपुर प्राचीन काल में प्रसिद्ध स्थान क्षेत्र से संबंध कौन सा है। देखिए इसमें जो है ना रिलेशन अगर हम बात करें तो यह है असम का, ठीक है। प्राग ज्योतिषपुर प्राचीन काल के प्रसिद्ध स्थान से जो क्षेत्र रिलेटेड है वो है असम, ठीक। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तीन नंबर देखते हैं, मौर्य प्रशासन में सीताध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष प्रमुख होता था। देखिए सीताध्यक्ष जो है ना, सीताध्यक्ष हमेशा याद रखिए ये राजभूमि विभाग का प्रमुख होता था, ये हमेशा इस चीज को ध्यान में रखिए, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चार, क्या है पटना का नाम अजीमाबाद नामांकित निम्नांकित में से किसके नाम पे रखा गया था। तो अजीमाबाद ये जो नाम रखा गया था, ये रखा गया था देखिए मुगल राजकुमार के नाम पे, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। औरंगजेब ने 1702 में अपने प्रिय पौत्र, ठीक है, राजकुमार अजीमुन शान को जो है इसके नाम के ऊपर अजीमाबाद ये पटना का नाम कर दिया था। पांच नंबर देखते हैं, सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। देखिए इसका जो आयोग का जो गठन है ये करा गया था साल 1917 में। बी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 16 देखते हैं, कमागाटा मारू प्रकरण से रिलेटेड सही तथ्य की पहचान करना है यहाँ पे। देखिए कमागाटा मारू जो है ये क्या था, तो भाई ये जो है ना, देखिए ये एक प्रकरण पहले तो 1914 में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद हम देख लेते हैं, ये प्रकरण जो है कमागाटू मारो जो है ये एक जापानी जहाज था जिसे एक भारतीय नागरिक गुरुदत्त सिंह ने किराए पर रेंट पे लिया हुआ था, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पॉइंट की बात करें तो ये प्रकरण भारत से बाहर की भी भारतीयों में ब्रिटिश राज व्यवस्था के विरुद्ध आक्रोश बढ़ाने में काफ़ी सहायक सिद्ध हुआ था, ठीक है। तो एक, तीन और पाँच वाला हमारा ऑप्शन सही है, यानी ए हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। सात नंबर देखते हैं, भारत में सबसे पहले किस रियासत की शासन ने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा स्टार्ट करी थी। तो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो स्टार्ट किया था ये सबसे पहले देखिए बड़ौदा रियासत ने स्टार्ट किया था 1906 में, ठीक है, कब? 1906 में। नेक्स्ट देखते हैं, ह्वेनसांग ने जिस कनिष्क विहार को देखा था वह कहाँ पे स्टैब्लिश्ड है, कहाँ पे स्थित है। देखिए तो वो जो है ना पुरुषपुर में है, कहाँ? पुरुषपुर। ए हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नौ नंबर देखते हैं, बिंदुसार की राज्यसभा में आने वाला सीरिया का राजदूत कौन था। देखिए बिंदुसार के जो राज्यसभा में आया था सीरिया का राजदूत वो था डाइमेकस। बी हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टेन, टेन में क्या बोल रहा है, देखिए नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। तो नव नालंदा महाविहार जो है वो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए काफ़ी ज़्यादा विश्वविख्यात है ये। चलिए 11 नंबर देखते हैं, 11 में क्या है, सल्तनत की राजधानी के रूप में आगरा की स्थापना किसने की। देखिए इसका जो आगरा का एस्टेब्लिशमेंट है ये करा था सिकंदर लोदी ने, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सल्तनत की राजधानी के रूप में आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने करी थी, ध्यान रखें इस बात का, ठीक है। नंबर 12 देखते हैं, आइए नंबर 12 में है, देखिए बंदा सिंह ने किस बादशाह के आदेश से मृत्युदंड बंदा सिंह को दिया गया था। बंदा सिंह को किस बादशाह के आदेश से मृत्युदंड दिया गया था, तो इसको मृत्युदंड देने का आदेश जो है ये दिया गया था फर्रुखसियर के द्वारा, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 13 देखते हैं, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से करी थी। तो ये तुलना करा था देखिए अलीवर्दी खान ने, ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसका कहना था कि यदि इन्हें शांत रखा जाए तो ये शहद देती रहेंगी और इन्हें अगर छेड़ दिया जाए तो ये काट काट के परेशान कर देंगी। तो ये स्टेटमेंट अलीवर्दी खां था अंग्रेजों के लिए।
14 जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित हैं? तो जयप्रकाश नारायण जिस पार्टी से रिलेटेड थे उसके हम बात करें, वो है देखिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना करी थी और इन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए 15 देखते हैं। इलाहाबाद की संधि किन्होंने निष्पादित की थी? तो इलाहाबाद की संधि जो है ना, ये रॉबर्ट क्लाइव, सिजाउद्दौला और शाह आलम सेकेंड के बीच में इसको निष्पादित करा गया था। कब किया गया था? 1764 में। ध्यान रखें ईयर को। 16 नंबर देखते हैं, बंगाल में तत्व बोधनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो तत्व बोधनी सभा की जो स्थापना है, देखिए ये करा था देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। सॉरी 17, फोर्ट विलियम किस राज्य में स्थित है? देखिए फोर्ट विलियम जो है ना, ये स्थित है वेस्ट बंगाल में। कहाँ? वेस्ट बंगाल में। बी करेक्ट हो जाएगा। इसकी स्थापना जो है 1698 में, 1668 में, ठीक है 1698 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल में सूतानाती, कालीकट और गोविंदपुर की जमींदारी को प्राप्त होने के बाद से इसका एस्टैब्लिशमेंट करा गया था। ठीक है, चलिए 18 देखते हैं। वास्को डी गामा कालीकट में किस वर्ष पहुंचा था? देखिए वास्को डी गामा जो है ना कालीकट में पहुंचा था कब? तो ये पहुंचा था 1498 में। बी करेक्ट हो जाएगा। 19 देखते हैं, जैन धर्म के तीन रत्न यानी त्रिरत्न इनमें कौन कौन सा है? देखिए इसको पहले समझ लिए, रत्न त्रय भी कहा जाता है जैन धर्म के तीन रत्नों को। और इनमें क्या क्या है? देखिए सम्यक ज्ञान तो है, और इसमें फिर सम्यक दर्शन है। ठीक है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और साथ ही साथ सम्यक चरित्र है। तो यहाँ पे ई हमारा हो जाएगा एक से अधिक। ठीक है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। और अगर यहीं पे बुद्ध की बात कर ले तो बुद्ध में क्या क्या है? सॉरी बुद्ध में क्या हो जाएगा? बुद्ध, धम्म और संघ, उसके तीन रत्न होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ई करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर देखते हैं, इब्न बतूता भारत यात्रा किसके शासनकाल में हुई थी? इब्न बतूता की भारत यात्रा तो ये हुआ था देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। बी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में मोरक्को का ये यात्री था इब्न बतूता। ये 1333 में भारत आया था और उसी के टाइम में यहाँ पे आके यात्रा करा था। चलिए 21 देखते हैं, क्या बोला जा रहा है? देखिए सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा नीचे गए दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो यहाँ जो सही उत्तर हमारा हो जाएगा, सबसे पहले देख लिए बारदोली सत्याग्रह। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड हो जाएगा? तो ये सरदार पटेल से हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं भारतीय किसान विद्यालय, ये किससे रिलेटेड हो जाएगा? तो एनजी रंगा से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बंगाल प्रजा पार्टी, ये कौन सा है? तो फजलुल हक हो जाएगा ये। ठीक, उसके बाद बकासत संघर्ष, ये स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। तो हमारा जो करेक्ट यहाँ पे कूट हो जाएगा वो बी वाला हो जाएगा। राइट, चलिए 22 देखते हैं, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत गठन किसने किया था? तो अभिनव भारत गठन जो है ये करा था देखिए बीडी सावरकर जी ने। ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कब करा था? 1904 में किया था विनायक दामोदर सावरकर जी ने। 1904 में महाराष्ट्र में अभिनव भारत नाम की एक संस्था, इसकी स्थापना करी थी। चलिए नंबर 23 देखते हैं, क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के काल में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है ये हुआ था देखिए लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। बी करेक्ट हो जाएगा। ईयर कब था? तो 1885 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। कहाँ पे हुआ था? तो मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत उच्च विद्यालय में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए और यहाँ पे एक और जान लीजिए, इसमें जो फर्स्ट जो अधिवेशन होता है उसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 ने लिया था, ये भी जान लीजिए। ठीक, 24, निम्नलिखित को सही तिथिवार क्रम के नीचे दिए गए कोड के हिसाब से यहाँ पे मिलाना है। तो सही तिथिवार कोड के हिसाब से अगर हम मिलाएंगे तो हमारा जो करेक्ट हो जाएगा देखिए वो हो जाएगा सी। ठीक है, सबसे पहले होम रूल लीग आंदोलन, ये कब हुआ था? 1916 में हुआ था। ठीक है, रॉलेट एक्ट 1919 में, साइमन कमीशन 1927 में और गांधी इरविन समझौता 1931 में। तो हमारा सही जो कूट बैठ जाएगा क्या? तो सी ए बी डी। राइट, चलिए 25 देखते हैं, क्या है? स्वतंत्रता के बाद गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री किसे बनाया गया था? तो अंतरिम मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री जो सबसे पहले बनाए गए थे वो थे हमारे सरदार पटेल जी। ठीक है, सॉरी सरदार बलदेव सिंह जी। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1946 में इस कैबिनेट का प्रस्ताव हुआ था, 2 दिसंबर 1946 में इसका गठन हुआ था कैबिनेट मिशन का। ठीक है, और इसी में जो है स्वतंत्रता का जो पहला अंतरिम सरकार जो स्वतंत्रता से पहले बना था उसमें सरदार बलदेव सिंह जो है रक्षा मंत्री रूप में बनाए गए थे। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो गठन किया गया था ये करा गया था देखिए जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। ठीक है,
कांग्रेस समाजवादी पार्टी, अभी भी ऊपर आपने एक क्वेश्चन पढ़ा है कि ये जो है जयप्रकाश नारायण जी किस पार्टी से रिलेटेड थे, तो ये जो है कांग्रेस समाजवादी पार्टी से रिलेटेड थे। 1934 में इन्होंने इसका एस्टैब्लिशमेंट करा था आचार्य नरेंद्र देव के साथ मिलकर। चलिए 27 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान बिहार सचिवालय की इमारत पर झंडा फहराने का प्रयास में 7 छात्र अंग्रेजी सरकार के कार्यवाही में शहीद हो गए, यह घटना किस तारीख को हुई थी? देखिए ये जो घटना है ना, ये हुआ था 11 अगस्त 1942 में, ठीक है, ये वाला घटना 1942 में होता है 11 अगस्त। 28 देखते हैं, बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो बिहार में होम रूल लीग के जो अध्यक्ष हैं वो देखिए मजहरुल हक जी थे, ठीक है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। होम रूल लीग के जनक किसको माना जाता है? तो एनी बेसेंट को माना जाता है। भारत में होम रूल लीग आंदोलन आयरलैंड से ये लिया गया था, ठीक है, और भारत में होम रूल लीग आंदोलन सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था। तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक इन दोनों का अलग अलग होम रूल लीग था, आगे चल के कालांतर में ये दोनों आपस में विलय हो गए और एक ही होम रूल लीग फिर कार्य करने लगा, एक ही, ठीक है, दोनों मिल गए। 29 देखते हैं, वर्ष 1928 की जमशेदपुर मजदूर हड़ताल को समाप्त करने में किस राष्ट्रीय नेता का अहम भूमिका इसमें निभाई थी? तो ये निभाया था देखिए सुभाष चंद्र बोस जी ने, डी करेक्ट हो जाएगा। 1928 में ये जमशेदपुर में मजदूर हड़ताल को समाप्त करने में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। 30 क्या है, पटना में पहली बार स्वराज दल की बैठक कब हुई थी? देखिए पटना में सबसे पहली बार स्वराज दल की बैठक हुई थी कब? 1923 में, 2 जून 1923 में, डी करेक्ट हो जाएगा। 31 देखते हैं, निम्न में से किस चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाला गवर्नर जनरल पद को भारत गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो ये कहा जाने लगा चार्टर एक्ट 1833 के बाद से, ठीक है, इसी के बाद से बंगाला गवर्नर जनरल पद को भारत गवर्नर जनरल पद कहा, भारत का गवर्नर जनरल ये कहा जाने लगा, ठीक है। 32, 1858 के उपरांत समाज सुधार के प्रति ब्रिटिश सरकार की क्या नीति थी? तो 1858 के बाद जो है ब्रिटिश सरकार की जो नीति थी वो थी इनसे, इससे अलग रहने की, ठीक है। 1857 में जो ये हुआ, जो हमारा बोलते हैं ना ग्रेट रिबेलियन, जो सिपाही आंदोलन हुआ, उसके बाद से जो है समाज सुधार हुआ, उसके प्रति ब्रिटिश सरकार जो है इनका यही रहा कि इस सब चीज़ों से आप ज़्यादा अलग रहिए, ठीक है, अपने मतलब से मतलब रखिए। नंबर 33 देखते हैं, चीनी यात्री भारत को क्या कहते थे? देखिए चीनी यात्री जो है ना भारत को यिन तू बोलते थे, ठीक है, भी करेक्ट हो जाएगा। 34, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? देखिए मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था कब? तो 1939 में, जब प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया था तो उसके खुशी में ये लोग मुक्ति दिवस मनाने लगे थे, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। 35, किसने 1840 के करीब कूका आंदोलन को आरंभ किया था? देखिए कूका आंदोलन जो स्टार्ट किया था ये करा था किसने? भगत जवाहर मल ने, ए करेक्ट हो जाएगा। 1840 में इन्होंने ही कूका आंदोलन स्टार्ट किया था। इस आंदोलन का उदय सिख धर्म में फैली बुराइयों एवं सामाजिक अंधविश्वास को दूर करने के लिए स्टार्ट किया गया था। 36 देखते हैं, वृहद महान हिमालय यानी वृहद ग्रेट हिमालय जो है, ट्रांस ग्रेट हिमालय जो बोलते हैं हम, इसमें पाए जाने वाले प्रमुख चोटियों का क्रम ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में निम्न में से किस विलय में व्यवस्थित होगा? मतलब इसमें कौन सा सही कूट आएगा? तो इसमें सही कूट की अगर हम बात करें वो है देखिए माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नागा पर्वत और अन्नपूर्णा, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा हमारा। नंबर 37 देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का समुद्र तट सबसे अधिक लंबा है? तो भारत राज्य का समुद्र तट जो सबसे अधिक लंबा है वो है भैया देखिए आंध्र प्रदेश का, बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ हमारा। 38, कुल्लू, कांगड़ी, नामचा, बरवा तथा नागा पहाड़ी क्षेत्र हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के किस खंड के अंतर्गत आते हैं? देखिए ये जो है ना ये किस खंड के अंतर्गत आते हैं? तो ये असम हिमालय के अंतर्गत आते हैं। नामचा बरवा, कुल्लू, कांगड़ा, नागा पहाड़ी, ये सब असम हिमालय के अंदर आते हैं, ठीक। चलिए सॉरी 39 देखते हैं, काराकोरम दर्रे, देपसलांग दर्रा, देपसला दर्रा तथा खारदुंगला दर्रे से संबंधित सही तथ्यों को यहाँ पे चुनना है। यहाँ जो सही तथ्यों की बात करें तो ये क्या है? तो सही तथ्य हमारा जो हो जाएगा ये सभी भारत चीन के बीच मार्ग प्रशस्त करती हैं, केवल वन वाला ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 40, टेरा रोशा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें, तो ये कहाँ पे इसका विकास होता है? जहाँ पे चूना पत्थर होता है, बी करेक्ट हो जाएगा। 41 देखते हैं, देखिए टेम्पोरल पवन कहाँ प्रवाहित होती है? टेम्पोरल पवन जो है देखिए ये मध्य अमेरिका में प्रवाहित होती है, वहीं में बहती है, ठीक है। टेम्पोरल जो है स्थानीय मानसून हवा है मध्य अमेरिका का, ठीक। चलिए 42,
पॉडजोल क्या है? देखिए पॉडजोल जो है ना, ये कोणधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी को पॉडजोल कहते हैं। कोणधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी को पॉडजोल, ठीक। 43, चलिए, समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में क्या होता है? देखिए समुद्र में जब घनत्व बढ़ेगा तो ऐसे में लवणता बढ़ेगी तथा गहराई कम हो जाएगी, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। 44, निम्नलिखित में से किन महासागरों का निर्माण पेंजिया के टूटने के कारण हुआ है? पेंजिया टूटने के कारण जो है ना क्या हुआ है, तो महासागरों का निर्माण, देखिए जर्मन वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के कारण महासागरों का निर्माण हुआ है, ठीक है। अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक महासागर, सभी का निर्माण पेंजिया के टूटने के कारण ही हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है ई वाला करेक्ट हो जाएगा, एक से अधिक, ठीक है। चलिए, तो पेंजिया के टूटने की वजह से इन सारे महासागरों का निर्माण हुआ है। 45 देखते हैं, एशियाटिक बब्बर शेर का निवास कहाँ है? एशियाटिक बब्बर शेर का जो निवास है वो है, देखिए, गिर के जंगल, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात के जूनागढ़ में, और 1969 ईस्वी में गिर वन को अभयारण्य का दर्जा दे दिया गया था। 46, निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? देखिए अंतरिक्ष में जो नहीं पाया जाता है वो है, देखिए, ब्रिटल स्टार, एक करेक्ट हो जाएगा। ब्रिटल स्टार जो है अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है, ये क्या है? तो ब्रिटल स्टार का संबंध एनोमेलिया जगत के एकाइनोमोडा संघ तथा ओफिलोराइडिया वर्ग से इसका रिलेटेड है, ये समुद्री जीव है, ठीक है। 47, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो मानस नदी जो है, देखिए, ये ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है, एक करेक्ट हो जाएगा। 48 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है, देखिए भाई साहब, अफ्रीका, ठीक है, ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 49, निम्न में से कहां जल विद्युत गृह स्थित है? जल विद्युत गृह की अगर हम बात करें, ये स्थित है कोयना में, डी करेक्ट हो जाएगा। भारत की प्रथम जल विद्युत प्रोजेक्ट जो है ये 1902 में ये इसका स्टार्ट हुआ था। कहां हुआ था? तो कावेरी नदी पर शिव समुद्र में स्थापित किया गया था, एशिया का वास्तव में प्रथम जल विद्युत ये प्रोजेक्ट था, ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। कोयना कहां है? तो कोयना महाराष्ट्र राज्य में है, कोयना नदी पर ये निर्मित बांध है, राइट। चलिए 50 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें जो सुमेलित नहीं है उसकी अगर हम बात करें वो है, देखिए, कांटरबरी घास के मैदान यूरोप, ये वाला यहाँ पे नहीं है। कांटबरी घास का मैदान जो है ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है, कहाँ? न्यूजीलैंड में। चलिए नंबर 51 देखते हैं, वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल साक्षरता 63.80% है, भारत की कुल साक्षरता से यह कितने प्रतिशत कम है? तो भारत की कुल साक्षरता से जो है ना ये लगभग, देखिए, 11.2% कम है, ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, अगर हम बात करें 2011 के जनगणना के हिसाब से तो भारत का जो औसत साक्षरता दर है वो कितना है? तो 74.04%, ठीक है। चलिए 52 देखते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य कौन है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य, देखिए, सबसे बड़ा तो हो जाएगा अपना राजस्थान, सबसे छोटा हो जाएगा गोवा, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा, राज्य की बात हो रही है। 53, भारत का पहला हथियार संग्रहालय कहाँ अवस्थित है? तो भारत का सबसे पहला हथियार संग्रहालय ये कहाँ पे है? तो ये है ओडिशा में, ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित पर्वत में से कौन से इटली में है? देखिए इनमें से कोई भी जो है ना इटली में नहीं है। दिनकर अल्पास ये कहाँ है? तो ये है यूरोप में भैया, ठीक है। जूरा कहाँ है? तो जूरा फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर है। पेरिज पर्वत कहाँ है? फ्रांस और स्पेन और अंडोरा के सीमा पर ये पड़ता है, और काकोकस एशिया और यूरोप की सीमा पर ये पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। 55 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चीन का सीमावर्ती नहीं है? चीन का सीमावर्ती की हम बात करें जो नहीं है वो, देखिए, बुल्गारिया, मंगोलिया, रशिया, पाकिस्तान, इंडिया, ये सारे जो है नेपाल, ये सारे चीन के सीमावर्ती के अंतर्गत आ जाते हैं। 56 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान उपलब्ध था? तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान जो उपलब्ध था, अगर उसकी हम बात करें तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, डी करेक्ट हो जाएगा। 57 आइए, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार में से कुछ अधिकार भारत में भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है, निम्न में से कौन सा है? देखिए इसमें जो है ना, अगर हम इसकी हम बात करें तो ये सारे के सारे अधिकार जो है, ये जो ऑप्शंस में दिए गए हैं, ये इंडियंस के साथ साथ इंडिया में रह रहे फॉरेनर्स को भी उपलब्ध हैं, ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। तो यहाँ सबसे पहले जान लीजिए मौलिक अधिकार जो भाग 3 में आता है और आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक आता है, ठीक है। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो केवल इंडियन सिटीजन्स को प्राप्त हैं, ठीक। चलिए 58 देखते हैं,
उपराष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कार्यकाल निम्न में से कौन सा था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो कार्यकाल है अगर उसकी हम बात करें तो वो 1952 से 62 तक था। ठीक है, तो यहाँ तो 1952 से 62 यहाँ तो ऑप्शन ए में नहीं है, इसलिए ई हो जाएगा। ठीक है, 1952 से 1962 तक वो उपराष्ट्रपति रहे थे। 59, संपत्ति का अधिकार को 44वें संशोधन द्वारा 1978 द्वारा मौलिक अधिकार के श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में एक कानूनी अधिकार के रूप में है? तो करेंट टाइम में जो है ना ये भाग 12 में, ध्यान रखिए इस बात का, करेंट टाइम में ये भाग 12 में है ना, और आर्टिकल 301 के तहत ये कानूनी अधिकार अब बन चुका है। चलिए 60 नंबर देखते हैं, सुमेलित यहाँ पे करना है, केंद्र राज्य संबंध कौन कौन सा यहाँ पे भाग आ जाएगा? तो यहाँ पे जो सुमेलित किया जाएगा, केंद्र राज्य संबंध जो है ये भाग किस में आ जाएगा? तो ये आ जाएगा भाग 11 में। ठीक है, केंद्र राज्य का संबंध के बारे में बात किया गया। संविधान का संशोधन ये किस में बात किया गया है? तो ये भाग 5 में इसका बात किया गया है भाई साहब, भाग 20 में, मतलब सॉरी यहाँ 5 नंबर ये हो गया, भाग 20 में। ठीक है, आपात उपबंध का जो है ये भाग 18 में बात किया गया है। ठीक है, उसके बाद राज्य भाषा की बात करें तो ये भाग 17 में इसकी बात हुई है, और निर्वाचन जो है भाग 15 में हो जाएगा। चलिए, तो हमारा जो करेक्ट कूट हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाला। चलिए 61 नंबर देखते हैं, उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी है? तो सबसे बड़ी खंडपीठ जो बनी है वो है गोलकनाथ केस में, बी करेक्ट हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक क्या सबसे बड़ा है। इसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या 13 थी, कितनी? 13 थी। चलिए 62 देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो संवैधानिक संस्था जो नहीं है वो है देखिए मानवाधिकार आयोग, बाकी सारे राज्य वित्त आयोग, लोकसभा सचिवालय, केंद्र का वित्त आयोग, ये सारे जो है संवैधानिक संस्था है। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 63 देखते हैं, क्या है निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? तो ये जो स्टेटमेंट है ये है देखिए ए के अय्यर का, डी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 65 देखते हैं, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? तो ये संशोधन किया जा सकता है आर्टिकल 368 के तहत, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 66 देखते हैं, 66 क्या है? भारत सरकार का कानूनी विषय पर कौन सलाह देता है भारत सरकार को? तो ये विषय पर सलाह देता है देखिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसका रिक्रूटमेंट होता है, इसका मतलब नियुक्ति जो होती है वो आर्टिकल 76 के तहत होता है, और कौन करता है? हमारे राष्ट्रपति साहब करते हैं। एक बात और ध्यान रखिए, इसका जो है टर्म जो है राष्ट्रपति के मन के ऊपर होता है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति इसका जो पद है और कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, ध्यान रखिए इस बात का। 67 लोकसेवा आयोग का संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया है? ये जो वर्णन है देखिए संविधान के भाग 14 में वर्णन है, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 68 देखते हैं, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 40-45% चीज यहीं से डायरेक्ट ले लिया गया है। 69, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किस प्रथम भारतीय ने लड़ा था? तो ये जो है प्रथम भारतीय जो ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़े थे वो थे भैया देखिए डब्ल्यू सी बैनर्जी जी। ठीक है, विमेश चंद्र बैनर्जी। ठीक, 70, निम्न में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता है? तो भारतीय संविधान जो गारंटी नहीं देता है वो यहाँ पे है देखिए धार्मिक आज़ादी, समता का हक, संवैधानिक उपचारों का हक, सभी को शिक्षा का हक, इन सब की गारंटी देता है। नहीं देने की जो बात है तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है, तो ई हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 71 देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, निम्न राज्यों में से सर्वोच्च साक्षरता दर किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर जो है ये देखिए मिजोरम में, ए करेक्ट हो जाएगा। मिजोरम में 91.33% जो है, तो यहाँ बात हो रही है ऑप्शंस में से किस में, ऐसे तो केरला होगा बट इन ऑप्शंस में से मिजोरम हो जाएगा। 72 आइए, किस अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक सही आकलन निम्न में से किससे प्राप्त होता है? किसी अर्थव्यवस्था का सही आकलन जो है सर्वाधिक सही आकलन किससे होता है? तो वो होता है देखिए शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से, NNP से। ठीक है, 73 देखते हैं, क्या है देखिए अनावृत योजना यानी रोलिंग प्लान से संबंधित निम्न में से कौन सा एक तथ्य सही है जिसका चयन करना है? तो यहाँ पर जो सही तथ्य की बात हम करें तो रोलिंग प्लान से संबंधित सही तथ्य ठीक है कौन है, तो यहाँ अगर बात करें इसे जनता पार्टी का सरकार द्वारा घोषित किया गया था, ओके सही है। इसे पांचवा पंचवर्षीय योजना को एक वर्ष पहले समाप्त करने शुरू किया गया था, सही बात है। इसका घोषणा काल 1978 से 83 होगा, सही है, और यह अपने घोषित काल से 3 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया, यह भी सही है, यानी कि डी हमारा करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। 74,
2020-21 में बिहार बजट में राजकोषीय घाटा कितना था? तो बिहार के बजट में 2020-21 में जो राजकोषीय घाटा था वो था, देखिए, 20,374 करोड़ रुपए, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 75 देखते हैं, विद्युत क्षेत्र में हाइड्रो यानी नवीनकरण ऊर्जा कितना मेगावाट ये उत्पादन करता है? तो ये जो है उत्पादन, इसका जो प्रोडक्शन है वो है भैया, देखिए, 45,399 मेगावाट का, बी करेक्ट हो जाएगा। 76 देखते हैं, चलिए 76 है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? तो राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश जो है वो बढ़ता है, ए करेक्ट हो जाएगा। 77, निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत जो है वो है सेवा क्षेत्र, डी करेक्ट हो जाएगा। 78, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन किस राज्य में होता है? सबसे अधिक गेहूं उत्पादन जो है ये होता था भैया यूपी में, डी करेक्ट हो जाएगा, राइट। 79 देखते हैं, किसी पिंड के जड़त्व का माप निम्न में से कौन है? तो किसी पिंड के जड़त्व का जो माप है वो है, देखिए, पिंड का द्रव्यमान, बी करेक्ट हो जाएगा। 80, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक निम्न में से कौन है? तो गुरुत्वाकर्षण का नियतांक का जो एसआई मात्रक है वो है, देखिए, nm2 kg2, डी करेक्ट हो जाएगा। 81, एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है यह प्रयोग करता है कौन से तरंगों का? तो यह प्रयोग करता है भाई, देखिए, किसका? तो रेडियो तरंगों का, रेडियो वेव्स का, बी करेक्ट हो जाएगा। 82 देखते हैं, सुगर का आण्विक सूत्र, ठीक है, सुगर का आण्विक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सुगर का जो आण्विक सूत्र है वो हो जाएगा, देखिए, C12H22O11, बी करेक्ट हो जाएगा। 83, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो इनमें जो सही नहीं है अगर उसकी हम बात करें वो है, देखिए, दूध जेल का उदाहरण है, यहाँ पे ये गड़बड़ है, दूध का उदाहरण गलत है, ये जेल बोला गया, दूध पायस कोलाइडी है, ना कि ये जेल का उदाहरण, ठीक। 84, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या कुल कितनी होती है? तो इसमें जो कुल परमाणुओं की संख्या की अगर हम बात करें तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या उपयुक्त में से अभी तो इनमें से कोई भी नहीं है, इसमें कितना होता है? तो टेट्राक्लोराइड में संख्या जो होती है वो 5 होती है अणुओं की संख्या, तो ई हमारा यहाँ पे ऐसे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 85 देखते हैं, स्याही इंक निम्न में से कोलाइडी के किस रूप का उदाहरण है? तो स्याही इंक जो है ये कोलाइडी का, भाई, देखिए, सॉल का उदाहरण है, ए इनमें से करेक्ट हो जाएगा। 86, सिरका किसका जलीय विलयन है? तो सिरका जो है, भाई, देखिए, एसिटिक एसिड का जलीय विलयन है, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है। 87, तपेदिक यानी ट्यूबरक्लोसिस रोग की पहली बार खोज कब और किसके द्वारा की गया था? तो ट्यूबरक्लोसिस रोग का जो सबसे पहला खोज किया गया था, ये देखिए, 1882 में जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच के द्वारा करा गया था, ए सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 88 देखते हैं, मलेरिया निम्न में से किससे होने वाला रोग है? देखिए, मलेरिया जो है ना, इनमें से किससे होने वाला रोग है उसकी बात करें तो वो है, देखिए, प्रोटोजोआ से होता है, ए करेक्ट हो जाएगा। 89, निम्न में से कौन बारूदी सुरंग का पता लगाने में उपयोग होता है? तो बारूदी सुरंग का जो पता लगाने में उपयोग कर जिसका किया जाता है वो है, देखिए, मधुमक्खियों का, बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 90, मानव मूत्र का पीला रंग एक विकर्ण के कारण होता है जिसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है भैया, देखिए, यूरोक्रोम, डी करेक्ट हो जाएगा। यूरोक्रोम के वजह से ही मानव पेशाब का जो रंग है, मूत्र का जो रंग है, वो येलो कलर का होता है। 91, सेब के फल में लाली का कारण क्या है? तो सेब के फल में जो लालिमा होता है वो होता है, देखिए, एंथ्रोसाइनिन के वजह से, ए यहाँ हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 92 की ओर बढ़ते हैं, 92 है, देखिए, सूची एक को सूची दो से सुमिलित करना है और दिए गए कूट के आधार पर सही का मिलान करना है। तो मैथी आंदोलन ये कल्याण सिंह रावत के द्वारा किया गया था, है ना, किसके द्वारा? मैथी आंदोलन कल्याण सिंह रावत। एपिक्को आंदोलन ये पांडुरंग हेगड़े, उसके बाद अगर हम बात करें तो चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगणा, और उसके बाद अगर जो है पश्चिमी घाटी बचाओ आंदोलन तो ये गोवा की पीपुल्स पार्टी। तो करेक्ट जो हो जाएगा, देखिए, डी हो जाएगा हमारा, 1, 2, 3, 4 एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। चलिए 93 देखते हैं, एमएस वर्ड प्रयोग किया जाता है कहाँ पे? भाई, एमएस वर्ड का जो इस्तेमाल होता है वो होता है, देखिए, पदांश डाटा संशोधन हेतु, डी सी करेक्ट हो जाएगा। 94, कमरे में लगा हुआ वातानुकूलित क्या नियंत्रित करता है? तो कमरे में लगा वातानुकूलित जो है ये केवल आद्रता एवं तापमान को नियंत्रित करता है, बी करेक्ट हो जाएगा। 95, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो वो इसलिए जगमगाता है क्योंकि पूर्ण आंतरिक परिवर्तित वो करता है, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कारण, डी करेक्ट हो जाएगा। 96, निम्नलिखित में ब्रह्मांड में कौन सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? तो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व है वो है हाइड्रोजन, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 97, पौधे के किन कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो पौधे का वो भाग जहां से हल्दी प्राप्त होती है अगर उसकी हम बात करें वो है, देखिए भैया, तना, बी करेक्ट हो जाएगा। 98, निम्नलिखित तरंगों में से कौन
एक पानी में प्रदूषण की वजह से नहीं होता है। निम्नलिखित रोग, मैंने तरंग बोल दिया सॉरी, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा पानी की वजह से नहीं होता है, तो पानी की वजह से जो है हेपेटाइटिस बी नहीं होता है, बी करेक्ट हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी जो है देखिए ये HBV विषाणु के कारण होता है, ना कि पानी के प्रदूषण के कारण। चलिए 99 देखते हैं, सूची एक को सूची दो से मिलाना है, तो सूची एक को सूची दो से जो अगर मिलाएंगे, शुद्ध रक्त की बात करें तो ये कहाँ बहती है शुद्ध रक्त, ये हमारे धमनी में बहती है, ठीक है। अशुद्ध रक्त ये कहाँ होता है, तो ये सिरा में होता है। उसके बाद बात करें रक्त की कमी ये किस बीमारी का नाम है, तो ये इससे होता है एनीमिया, और रक्त का थक्का ये फाइब्रोनिन, ठीक है, यानी विटामिन के, यानी कि हमारा करेक्ट कूट हो जाएगा ए वाला, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है, तो सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिएगा। देखिए क्षय रोग ये किस वजह से होता है, तो ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है। चेचक ये क्यों होता है, तो ये वायरस की वजह से होता है, राइट। उसके बाद दाद क्यों होता है, तो दाद भाई फंजाई यानी फंगस की वजह से होता है, और पेचिस जो है ये प्रोटोजोआ की वजह से होता है। सही कूट जो हो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा। चलिए 101 देखते हैं, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था, तो ये प्रारंभ हुआ था कब, तो ये हुआ था देखिए 1973 में, डी करेक्ट हो जाएगा। 102, निम्न में से कौन सी वस्तु जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती है, तो जीवाणुओं से जो नष्ट नहीं होती है वो है प्लास्टिक, डी करेक्ट हो जाएगा। 103, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या रीजन है, तो इसका रीजन है इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्यम मूल वेग से कम होता है, इस वजह से यहाँ पे क्या है वायुमंडल नहीं है। 104 देखते हैं क्या है, देखिए जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी जो है क्या है, तो बाल्टी हमें पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई ऐसी महसूस होती है, जब तक वो पानी की सतह पर है वो हल्की लगती है, ठीक है। 105, आयोडीन प्राप्त होता है कहाँ, तो आयोडीन जो प्राप्त होता है वो लैमिनोरिया से प्राप्त होता है, बी करेक्ट हो जाएगा। 106 देखते हैं, सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन सा है, सबसे बड़ा अकशेरुकी जो है ये स्क्विड है, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 107, पोलियो जो है किस कारण से होता है, देखिए पोलियो जो है ना ये होता है भैया विषाणु की वजह से, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। 108, श्रीहरिकोटा द्वीप किसके निकट अवस्थित है, तो श्रीहरिकोटा द्वीप जो है ये पुलिकट झील के पास में ये एस्टैब्लिश्ड है। 109 देखते हैं, किसान घाट में किसकी समाधि स्थल है, देखिए किसान घाट में जो है ना ये चौधरी चरण सिंह जी की समाधि स्थल है, ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए समाधि स्थल और मैं कुछ व्यक्तियों के नाम ही बताऊंगा जो आप जान लीजिए, B.R. अम्बेडकर की बात करें तो इनका जो समाधि स्थल है वह है चैत्रा भूमि में, ठीक है। ज्ञानी जैल सिंह जी की बात करें तो इनका समाधि स्थल एकता स्थल में है। K.R. नारायण की अगर हम बात करें तो K.R. नारायण का समाधि स्थल उदय भूमि में है, और जवाहरलाल नेहरू की अगर हम बात करें तो इनका समाधि स्थल कहाँ है, तो इनका शांतिवन में, अटल बिहारी वाजपेयी जो है स्मृति स्थल, ठीक। 110 देखते हैं, निम्न में से कौन एक भिन्न है, तो इनमें से जो भिन्न है वो है देखिए महल का शहर बंबई, ये गड़बड़ है, महलों का शहर जो है कोलकाता को कहा जाता है, तो यहाँ पे बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 111, भारत के प्रथम प्रमुख न्यायाधीश कौन थे, तो भारत के प्रथम प्रमुख न्यायाधीश जो है ये देखिए जस्टिस हीरा लाल जे कानिया थे, तो यहाँ ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। 1773 एक्ट के तहत कलकत्ता में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स के रूप में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई थी, ठीक है, ध्यान रखें इस बात का। चलिए 112 देखते हैं, कानून पश्तून समुदाय किस देश से रिलेटेड है, देखिए पश्तूनी समुदाय जो है ये अफगानिस्तान से रिलेटेड है, बी करेक्ट हो जाएगा। 113, गारो जनजाति ये कहाँ की है, देखिए गारो जनजाति जो है ना ये रिलेटेड है मेघालय से, सी करेक्ट हो जाएगा। 114, मुरी जाना जाता है किस वजह से, देखिए मुरी जो है ये जाना जाता है एल्यूमिना प्लांट के लिए, ठीक है, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। मुरी कहाँ है, तो वर्तमान में ये झारखंड राज्य में है, ठीक। 115, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है, तो वृक्षारोपण में जो विशिष्टता रखता है वो है देखिए वालपराई, सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 116 देखते हैं क्या है, 116, भारत में अवस्थापित होने वाली पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, भारत में अवस्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो पहला राष्ट्रीय उद्यान है देखिए कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बी करेक्ट हो जाएगा। 117, बिहार का आकार आकृति कैसा है, तो बिहार का आकार आकृति जो है देखिए ये आयताकार है, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 18, बिहार में पंत अभयारण्य कहाँ अवस्थित है, तो बिहार में पंत अभयारण्य जो है ये देखिए नालंदा में है, कहाँ,
नालंदा, डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 119 देखते हैं, बिहार है कितने जिले के अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है, तो बिहार का टोटल जो है देखिए 7 जिला का इंटरनेशनल बॉर्डर जो है नेपाल से टच होता है। 120 बिहार राज्य में लिंगानुपात कितना है, देखिए बिहार राज्य में लिंगानुपात की बात करें वो है देखिए 918, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि प्रत्येक 1000 बालक पे 918 बालिकाएं, ये होता है लिंगानुपात। ठीक, चलिए 121 बिहार में भौतिक विभाजन में निम्न में से कौन सा सम्मिलित है, तो बिहार के भौतिक विभाजन जो सम्मिलित है वो है देखिए उत्तरी गंगा मैदान और दक्षिणी गंगा मैदान शामिल है इसमें। ठीक है, तो दक्षिणी गंगा मैदान, उत्तरी गंगा मैदान, यानी कि दोनों हो जाएगा, यानी एक से अधिक हो जाएगा, यानी कि ई हमारा करेक्ट हो जाएगा। 122 देखते हैं, बिहार में बांगर मिट्टी कहाँ मिलती है, देखिए बिहार में बांगर मिट्टी जो है ये मिल जाएगी हमें पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में, राइट। चलिए 123 देखते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो करा था किसने, तो धर्मपाल ने। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ई हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। 124 देखते हैं, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 ईस्वी में अधिवेशन हुआ था, तो इसका अधिवेशन हुआ था देखिए गया में, सी करेक्ट हो जाएगा, 1922 में हुआ था और यहाँ पे चित्तानंद दास ने अध्यक्षता करी थी। 125 किस राज्य ने यूएन विमेन के साथ मिलकर टेक्निकल फेस्ट लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च करा है किसने, तो ये करा है देखिए पंजाब ने, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 26 देखते हैं, विजय माल्या का विदेश में अवस्थित 14 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया गया है, यह संपत्ति किस देश में था, देखिए यह संपत्ति जो है ना ये कहाँ था, तो ये था फ्रांस में, सी करेक्ट हो जाएगा। 127 हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया, किस डेट को ये मनाया गया, तो ये मनाया गया 31 अक्टूबर को, बी करेक्ट हो जाएगा। 128 भारतीय रेलवे ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सी पहल की शुरुआत करी है, तो इन्होंने स्टार्ट करा है देखिए मेरी सहेली, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 129 क्या है, किस राज्य में विधि धर्म संपरिवर्तन प्रतिरोध अध्यादेश जो है 2020 ये जारी किया गया है, तो ये किया गया देखिए यूपी में, बी करेक्ट हो जाएगा। 130 नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला सूचकांक 2020 में बिहार के किस जिले को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है, तो बिहार का वो जिला जिसको द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है वो है भैया देखिए बांका, बी करेक्ट हो जाएगा। 131 10 मार्च 2021 को प्रो उडुपी रामचंद्र राव नवासीवां जन्मदिन इनका मनाया गया, उनका उपनाम क्या है, तो उनका जो उपनाम की बात करें वो है देखिए सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया, सी करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए 132 फरवरी 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है, तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जो है ये मिला है देखिए आर अश्विन को, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 33 महिलाओं को फ्री सैनिटरी पैड्स मुहैया कराने वाला प्रथम देश कौन सा है, तो प्रथम देश है स्कॉटलैंड, ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 134 देखते हैं, राजशाही की स्थापना को लेकर किस देश में दिसंबर 2020 में प्रदर्शन हुआ, दिसंबर में जो ये प्रदर्शन हुआ था ये नेपाल में हुआ था, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 135 देखते हैं, 200 किलोमीटर का वॉकथॉन फिट इंडिया कहाँ शुरू हुआ, तो 200 मीटर का जो वॉकथॉन फिट इंडिया जो है ये स्टार्ट हुआ था राजस्थान में, सी करेक्ट हो जाएगा। 136 हाल ही में भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 विमान से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया, तो इसका जो सफल परीक्षण है देखिए ये करा था इन्होंने ब्रह्मोस का, ठीक है बी करेक्ट हो जाएगा, Su-30 से इन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। 37 देखते हैं, द डेथ ऑफ जीसस के लेखक कौन है, देखिए द डेथ ऑफ जीसस की लेखक की अगर हम बात करें वो है भाई साहब J.M. कोएत्जी, सी करेक्ट हो जाएगा। 38 कैम्ब्रिज डिक्शनरी के किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है, तो वर्ड ऑफ द ईयर 2020 की अगर हम बात करें वो है क्वारंटाइन, ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 39 सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली ट्रेन का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो भारत की पहली ट्रेन जो सौर ऊर्जा चलती है उसका उद्घाटन केरला में हुआ है, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 140 देखते हैं, पैंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन ब्रेकिंग ट्रेजेडी नामक पुस्तक ये किसने लिखी है, ये पुस्तक लिखा है देखिए टी बंदोपाध्याय ने, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 141, केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार किस वित्तीय वर्ष में राजस्व खाते में कितना व्यय होगा, तो इसमें जो है व्यय का जो दिया गया है ब्यौरा वो है 29,29,000 करोड़, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 142 प्रेगनेंसी बाइबल नामक पुस्तक के लेखक कौन है, देखिए प्रेगनेंसी बाइबल ये जो बुक लिखा है ये लिखा है भाई साहब करीना कपूर ने, ठीक है डी करेक्ट हो जाएगा। 143 बंदरों के बचाव एवं पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन गांधी रमन्ना हरितवनम के नाम से कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये जो किया गया है भाई तेलंगाना में, बी करेक्ट हो जाएगा। 144 भारतीय खबरों में रही मीना हैरिस किस देश की हैं, देखिए मीना हैरिस जो हैं ये अमेरिका की हैं, ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा।
चलिए 145 देखते हैं। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? देखिए मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का जो अध्यक्ष है ये नियुक्त किया गया है राजीव जलोटा को। डी करेक्ट हो जाएगा। 146, बिहार संविधान सभा चुनाव 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है? तो यहाँ पे जो कथन असत्य है उसकी बात करें वो है, देखिए बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 242 सीटों पर चुनाव हुए थे, ये यहाँ पे असत्य है। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि बिहार विधानसभा में कितने सीटों पर चुनाव हुए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 147, मालाबार अभ्यास 2020 के विषय में गलत कथन का चुनाव करना है। तो इसमें गलत कथन है वो देखिए, मालाबार अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया ने 2015 में पहली बार भाग लिया था, यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही है। बाकी सारे रॉयल ऑस्ट्रेलियन नौसेना ने मालाबार अभ्यास में भाग लिया, सही है। अभ्यास 24वां संस्करण था, सही है। अभ्यास केवल गैर संपर्क के रूप में समुद्र में किया जा रहा था, यह भी सही है। तो बी वाला हमारा गड़बड़ है। 148, वर्ष 2020 में भारत सरकार द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को कोविड-19 संबंधित सहायता देने हेतु किस मिशन की शुरुआत की गई? तो ये जो मिशन की शुरुआत किया गया वो है देखिए मिशन सागर, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं। दुनिया की पहली कोरोना पर वैज्ञानिक पुस्तक के रूप में किसका विमोचन किया गया है? तो ये जो विमोचन किया गया है देखिए बाय बाय कोरोना का विमोचन किया गया है, बी करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन है हमारा देखिए कोविड-19 के विषय में जागरूकता है तो किस संस्था ने IITM कोविड-19 गेम विकसित किया है? तो ये जो गेम विकसित किया है देखिए IIT मद्रास ने किया है, सी एब्सोल्यूट हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज ये था हमारा सेट नंबर 2 प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम नंबर 1 से, ठीक है, वॉल्यूम 1 से ये CDPO का हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, नए लोग सब्सक्राइब कीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।